जब आप ये कर रहे थे, आपको लगा कि मैंने गलत किया है? जब मैं वहां बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तभी मुझे पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। तभी पता अंदर से मुझे एक आवाज तो कह रही थी कि ये नहीं करना चाहिए, जो करना है मर्दों की तरह सामने जाओ, बैठो, बात करो, क्या प्रॉब्लम है? मारना है चलो मारो, मैं भी मार सकता हूँ, मेरे पास भी दो हाथ हैं, खत्म करो। तो बट तूने फिर भी नहीं रोका अपने आप को? हाँ, बिकॉज आई थिंक वो होता है ना, एक सर्टन, जब कुछ लोगों का आप पे प्रभाव बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप फिर अपनी अपनी बात बंद करके उनकी बात सुनते हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीजें कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, और चाहे उसके पीछे जो भी हो, कहा तो मैंने। I was the voice you know, and I was the face. I want to give him a big hand for saying this because क्योंकि ये मुझे I think, मुझे इस तरह का big hand पसंद है। हाँ. उस time पे तो इस तरह के big hand पड़े थे। नहीं, क्योंकि ये at least responsibility ले रहे हो तुम। लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि एक issue हो गया, चलो ठीक है, from being this lovable boy, जिसको सब लोग पसंद करते हैं, suddenly एक outcast हो गया था मैं। ये overnight हुआ? Overnight. आपको immediately reaction? कुछ लोगों के phones आ गए थे, वो कहने लगे थे, don't worry, तुमने बहुत सही किया है, बहुत solid किया है, we are with you, वगैरह वगैरह, but उसके बाद सब गायब हो गए। और फिर suddenly मेरे पीछे किसी का support नहीं था, जितने लोग मुझे कह रहे थे कि ये करना चाहिए इस तरह, वो भी अपने अपने मेरे सबसे करीब लोग भी मुझसे दूर हो गए, थोड़े से हट गए कि भाई ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। Because there was such a backlash। मैंने कहा कि भाई तुमने ही कहा था मुझे कहने के लिए ये सब चीजें। तो ऐसे काफी आई ओपनर्स हुए मेरे साथ, वो शुरुआत की बात थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कंटिन्यू हुआ, हर अवार्ड फंक्शन पर धज्जियां उड़ाई गई, मजाक उड़ाया गया। मुझे तो एक अवार्ड फंक्शन से लेटर मिला था कि यू हैव वन दिस अवार्ड फॉर यू नो योर फिल्म कंपनी एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसके बाद मुझे कहा गया कि आप एक काम करें, फिर आप अवार्ड पे आए ना, और उठाकर वो अवार्ड किसी और एक्टर को दिया गया। मेरे लिए जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे परफॉर्म करना है, मुझे फिल्म्स करनी है। जब वो अटैक मुझ पर हुआ उसके बाद, कि लोगों को कहा गया कि यू कांट वर्क विथ हिम, लोग आते थे मुझे कहते थे कि भाई हमें साइनिंग अमाउंट वापस दे दीजिए, क्योंकि हम आपके साथ फिल्म नहीं कर सकते हैं, हमें वहां से प्रेशर है, यहाँ से प्रेशर है, इस लॉबी से प्रेशर है, उस लॉबी से प्रेशर है। तो वो किसी ने नहीं देखा जो मैंने किया, गलत किया, लेकिन ना मैंने किसी को मारा, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, किसी के घर की आमदनी तो नहीं रोकी, लेकिन मैंने वो बहुत सहा, बहुत। अभी तक कुछ फैक्शंस हैं ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं, आपके दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मुझे कहते हैं यार तेरे साथ काम करना है, लेकिन क्या करूं यार, नहीं कर सकता। एंड आई एम स्टिल डीलिंग विद दैट आफ्टर हैविंग अपोलोजाइज। हालांकि मुझे सलमान से ज्यादा दुख हुआ सोहेल का और अरबाज का, वो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, और सोहेल ने सलमान से झगड़ा किया था मेरे लिए कि भाई आप ये सब मत करो, एंड आई विल सॉर्ट इट आउट, और मुझे प्रॉमिस भी किया था कि मैं सॉर्ट आउट करूंगा। दैट्स वेयर आई फेल्ट वेरी बैड, कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने एक दोस्त को लेट डाउन किया। उसने मुझे कहा भी था, आज तक सोहेल मुझे उसने मुझे माफ नहीं किया। अरबाज और मेरी फिर भी ठीक हो गई है, बातें होती हैं, बट सोहेल मुझे माफ नहीं कर पाता है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने उसे लेट डाउन किया। तो वहां गालियां पड़ी होंगी। हाँ, उसको तो काफी कुछ पड़ी। हाँ. तो मुझे बहुत बुरा लगा वो पता चलने के बाद। बट वाज इट लाइक स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन? या विद द हैंडीकैप, इट वाज स्टार्टिंग माइनस विद अ मेजर माइनस। और इसीलिए जिन लोगों ने मुझे तब सपोर्ट किया, मैं उन लोगों को कभी नहीं भूलूंगा, जैसे आपने मुझे, आपके पर्सनल इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप है सलमान के साथ, फिर भी आपने मुझे एक फिल्म ऑफर की थी, which was very very touching, क्योंकि you know I must say in Salman's defense, उन्होंने कभी भी हमसे नहीं कहा कि विवेक से बात मत करो। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो कहते भी होंगे, but वो नहीं, लोग अपने आप से ही सोचकर, वो at least मुझसे तो उन्होंने कभी भी नहीं कहा है। तो in his defense I must